बैक टू माई चैनल। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ अमेज़ॉन से। अभी मैंने मीशो से बहुत सारे कपड़े ऑर्डर किए हैं, तो मैंने सोचा है कि अगर मैं उसका रिव्यू बनाऊँगी तो ऑफकोर्स मेरे पास थोड़ा ढंग का बैकग्राउंड तो होना चाहिए। और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के मैंने वीडियो में देखा है कि हैंगर्स तो वो ज़रूर रखते हैं कपड़ों के लिए, तो मैंने अमेज़ॉन पर भी सर्च किया। मुझे 900 रुपये का एक अच्छा सा हैंगर टाइप का मिल रहा है, आई मीन कपड़े टांगने के लिए मिल रहे हैं। दिखाती हूँ मैं हर एक चीज़ की वीडियो बनाऊँगी, ताकि आपको भी अगर कोई चीज़ चाहिए हो या मंगवानी हो तो आप मंगवा लेना। तो ये मैंने हैंगर देखा है जो कि 900 रुपये का है। इसका रिव्यू भी मैंने देख लिया है, आई मीन अच्छा ही लग रहा है देखने में। ये कुछ लोगों ने डाला हुआ है। हेलो गाइस, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। अभी अभी मैंने एक हॉल शूट किया है, काफ़ी मेहनत लगी है उस पर। तो अगर ये व्लॉग बाद में डल रहा है तो प्लीज़ जाके चेक करो। इतनी अच्छी हवा चल रही है, देखो मौसम देखो गाइस। एक तो ये टंकी पता नहीं क्यों मेरे घर के सामने बना दिया इन्होंने। तो मैं आपको अपनी प्लानिंग बताती हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ अपने घर में, आई मीन व्लॉगिंग चैनल पर। मैं कंसिस्टेंटली एक ही टाइप के व्लॉग्स नहीं डाल सकती, मॉर्निंग रूटीन वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत सारे लोग बोर भी हो जाते हैं इसके साथ। तो इसलिए मैं क्लोथिंग हॉल करना ज़्यादा स्टार्ट कर रही हूँ। और ऑफकोर्स अपना रूम डेकोर में लगी हुई हूँ मैं। जब से ये शुरू हुआ है कम से कम 1 साल हो चुका है मेरा घर पेंट हुए हुए, और टेबल चेयर जो भी चीज़ें आई है काफ़ी सारे व्लॉग्स में दिख भी गया है, पर मैंने अभी तक प्रॉपर रूम डेकोर नहीं बनाया, क्योंकि अभी भी मैं लगी हुई हूँ क्या चीज़ लगानी है, किस चीज़ से मैं बोर नहीं होंगी। जैसे कि देख रहे हो BTS वगैरह का सब कुछ हट चुका है यहाँ से, पोस्टर्स कब का, और ये टेबल भी आ चुका है। ये टॉक्सिक लड़की, ये हॉल बनाया था, ये मेरी कुतिया डॉग बेच, गाली नहीं दी मैंने उसका जेंडर ही यही है गाइज। और ये कपड़े मेरे, मेरी अलमारी अच्छा खासा दूसरे रूम में थी, बट मैंने बोला कि मेरे को इसमें कपड़े रखने हैं और अब मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि इसमें आ नहीं रहे। यहाँ पे भी रखे हुए हैं मैंने, जो कि ये बंद भी नहीं है, कितना गंदा लग रहा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सब्र। अभी मैंने दिखाया था, मैंने अमेज़ॉन से कुछ मंगाया था, कल आएगा वो, कल बताऊँगी क्या आया है। और कामनी क्या लगता है, क्या मैं कंसिस्टेंट रहूंगी यूट्यूब पे? 50-50। ये भी थक चुकी है बोल के कि हाँ इस बार तो आप कर ही लोगे क्योंकि हमेशा ये यही चीज बोलती है, पर मैं नहीं करती। बाय द वे, ये टॉप अर्बेनिक से है, इफ यू आर वंडरिंग। इसका लिंक नहीं डालूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, मैं इसका हॉल बनाऊंगी तो ये टॉप दिख जाएगा आपको हॉल में। अभी मैं और वीडियो शूट करने जा रही हूँ, शॉर्ट्स वीडियो बनाने जा रही हूँ अभी मैं। हो कंसिस्टेंट रहना कितना मुश्किल है ना गाइस। अभी मैं 2 महीने से काफ़ी बीमार भी हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, मैं एडमिट भी हो गई थी। जिंदा हूँ मैं, पर मुझे मैं काफ़ी सुंदर लग रही हूँ इसलिए मैं व्लॉगिंग करी जा रही हूँ, वरना मैं फ़ोन उठाती नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ और शॉर्ट्स वीडियो बनाने। बाय, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं। हाय गाइस, समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। हेलो गाइस, तो आज ये आ चुका है, ये जो मैंने अमेज़न से मंगाया था, मैंने आपको दिखाया भी था जब मैं ऑर्डर कर रही थी, तो फाइनली आ चुका है। और अभी हम इसे बनाने जाएंगे, क्योंकि ये देखो इसको बनाना पड़ेगा, तो अब हम दोनों लड़कियाँ मिलके इसे बनाएंगी, चलो बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन वगैरह सब इसके अंदर है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। पहले मंगाना चाहेंगे गाइस, यार कॉपीराइट आएगा इसलिए आपको सुनाई नहीं देगा गाइस, नॉनसेंस बजा रहे हम, गाने का नाम ही नॉनसेंस है एक्चुअली। Thank you.
काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमें इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। अपना स्टैंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें मैं अपने कपड़े टांगूंगी। ये इसके ऊपर बिछाने के लिए भी मिला हुआ है ऐसे, पर बिछेगा भी बाढ़ में जाए। तो गाइज हम लोगों ने, हम दोनों ने ना पैनकेक खाया जो कि निहायत ही घटिया लगा, लट्टी था वो। बहुत ही खराब था यार, नकली चीज है। आई मीन जैसे नकली मतलब आर्टिफिशियल दूध में से टेस्ट नहीं आता। क्यों हंस रही है इतना? मेरे को लगा बहुत एस्थेटिक व्लॉग बनाऊंगी मैं, पर हमारा कंबल ही कितना गंदा है, बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं है। और सोफे पे कपड़े पड़े हैं गाइज, मेरे से एस्थेटिक व्लॉग मत मांगो यार। क्योंकि वहाँ सब कुछ सुंदर सुंदर था, मेरे घर की तरह सब कुछ फैला फैला नहीं था। हमने सोचा था रात भर मस्ती करेंगे, मस्ती करेंगे। पर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो हम लोगों ने अभी जो दिन में करते हैं ना वही दिन में करते। गए बात सुन लो पहले मेरी, जो दिन में करते है ना अभी अभी हम वही कर रहे हैं, ब्लॉग लगा के बैठ गए। अभी हम आइसक्रीम खा रहे। मैंने सोचा 5 बजे उठते, पर इंसान क्या करेगा इतनी जल्दी। नहीं यार, मैं तो उठ जाती हूँ ना आपसे पहले, मुझे बहुत डर लगता है आपको उठाने में। क्यों? मैं मारूंगी। मैंने आपको उठाया कि 4 बजे दिन जल्दी, आपने इतना गंदा देखा। गेट रेडी विद मी बना के डांस की वीडियो बनाई मैंने, फिर गेट रेडी विद मी बनाने के लिए ये एडजस्टमेंट करनी पड़ गई मुझे। तो अभी मेरे रूम की हालत खराब हो रखी है, देखो। जब भी मैं व्लॉगिंग या कुछ भी करती हूँ आउटफिट वगैरह के रिलेटेड, तो ऐसी हालत हो जाती है। तो अभी मैं सब कुछ ठीक करूँगी।
ब्लॉग में बस मैंने अपना रूटीन शेयर किया है कि कैसे कैसे मैं अपने यूट्यूब वीडियोस शूट कर रही हूँ इस बार और मैं कैसे कंसिस्टेंट रह रही हूँ। ऐसे मैंने ये रैंडम सा ब्लॉग बना दिया, आई होप कि अच्छा लगा हो। ये वैसे हेयर कट मैंने खुद ही किया है अपने बालों में, कैसा लग रहा है। सो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मैं अगली ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँगी कुछ भी होगा तो। अगर मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करना, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ कितने लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। सो मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।